द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के इस मंच से मैं आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का, जो इतने दिनों से बिना रुके बिना थके इतने परिश्रम से स्किल को अपग्रेड करके बहुत सारे लिमिटेशन के रहते हुए भी वो अपने वीडियोस बना रहे हैं और बच्चों के लिए इन वीडियोस को इस मंच के द्वारा साझा कर रहे हैं। वो साझा कर रहे हैं अपने साथी शिक्षकों के साथ और उम्मीद कर रहे हैं कि साथी शिक्षक शायद उन बच्चों तक इनको पहुँचाएँ, क्योंकि उन शिक्षकों के बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है। मैं पिछले वीडियो में भी बात कर रहा था तो मैंने इस बात को कहा था कि जो चीज़ इतने सालों के शिक्षक प्रशिक्षण में नहीं हुआ वो आज यहाँ इस मंच पर शिक्षक आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल करके एक दूसरे के साथ सीखते हुए जितना कुछ सीख रहे हैं और जितना कुछ समाज को दे रहे हैं वो गजब की बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम सभी बीएड में हमने देखा कि माइक्रो टीचिंग का एक सेशन होता है, तो माइक्रो टीचिंग के दौरान एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि कोई एक आदमी प्रेजेंट करेगा अपना एक सेशन और बाकी टीचर्स उसको सुनेंगे, जो प्रशिक्षण शिक्षक हैं वो उनको सुनेंगे और वो जो भी टीचर कुछ बोलते हैं या जिस तरीके से वो उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया उस पर वो अपना कमेंट देंगे और उसके कमेंट से जो सामने वाला होता है वो सीखता है और जो बगल अगल बैठे रहते हैं जो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं उनको भी ये समझ में आती है कि ये सही बात है और ऐसा ही मुझे करना है। ऐसा ही कुछ होना शुरू हुआ है अभी हमारे इस मंच पर। लोग एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, क्लास हो रही है, लोग एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। शुरू में तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरे टीका टिप्पणी को लोग किस तरीके से लेंगे। मुझे डर था कि लोग ये कहेंगे कि ये पता नहीं कौन आ गया है जिनको हम जानते नहीं पहचानते नहीं और ये हमारे पढ़ाई लिखाई पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे स्पिरिट में लिया और अब खुद को सुधार कर रहे हैं। और मैंने अभी देखा कि बहुत सारे दूसरे लोग जो केवल इमोजीज या GIF के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे थे वो कुछ हम लिख करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। लिख करके कम्युनिकेट करना चाहिए। जब आप लिख करके कम्युनिकेट करते हैं तो आप उनके साथ अच्छा संबंध बना पाते हैं और जिनके लिए ये लिखा जाता है उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा ओपनली चीज़ों को सुने, समझें, इम्प्रोवाइज करें, अपने आप को थोड़ा चेंज करें। जो कोई आपको देख रहा है या कुछ बोल रहा है वो कुछ सोच के बोल रहा है, वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो और अच्छा बनाने के लिए बोल रहा है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं चाहता हूं कि यह मंच दुनिया का ऐसा मंच बने जहां पर सभी टीचर एक दूसरे से सीखते हुए पढ़ाई लिखाई के स्तर को इतना ऊँचा उठाए कि हमारा बिहार का सब बच्चा बहुत अच्छा करे और हमारे बिहार का नाम रोशन हो, आगे ये देश और विदेश सभी जगह अपना पहुंच बनाए। तो ये एक अच्छा मौका है साथियों, हम सभी आपस में कुछ सीख सकते हैं। आप इसके साथ जुड़िए। अगर आप अब तक अपना क्लास लेना शुरू नहीं किए तो आप क्लास लीजिए। मैं दूसरे साथियों का भी आह्वान करूंगा कि वो भी आए, आगे बढ़ें और अपनी अपना रोल यहाँ पर हाईलाइट करें। ये एक मौका है सीखने का, जाने मत दीजिए। तो यही सोचते हुए मुझे भी लगा कि मुझे भी एक क्लास लेना चाहिए और ये दीवार को समझाना बहुत मुश्किल काम है। कैमरा के सामने कैमरा कॉन्शियसनेस कब शुरू करें, कब बंद करें, क्या बोलकर शुरू करें, मुझे तो शुरू करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो ये कैसे शुरुआत करें ये एक झिझक है। अगर आप इस बैरियर को तोड़ लेते हैं फिर आप बहुत आगे जाएंगे। आज दो तरह के वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं, एक एडिटेड वीडियो और दूसरा मतलब अनएडिटेड वीडियो, रॉ वीडियो आ रहा है। जो रॉ वीडियो भेज रहे हैं वो भी प्रशंसा के पात्र है और जो टेक्निकली साउंड है और जो टेक्निक लगा करके वीडियो को एडिट करके भेज रहे हैं वो भी अच्छे हैं। दोनों के अलग अलग स्तर हैं। वो कितना कॉन्फिडेंट व्यक्ति है जो एक ही टेक में पूरा का पूरा वीडियो सामने रख पा रहा है। एक फिल्म भी बनती है दोस्तों, तो एक एक छोटे छोटे सीन को टेक और रीटेक में मतलब
कई बार मतलब 100 के आसपास भी रीटेक देना पड़ता है। तो एक टेक में पूरा बोल जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो एडिटेड वर्जन दे रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी दिखती है, वो बाहर से चीज़ों को ऐड कर पाते हैं और इसलिए वो थोड़ा अपीलिंग ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, उससे हम ज़्यादा बच्चों को कवर कर सकते हैं। पिछली बार मैं बता रहा था कि बच्चों को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, बच्चे के डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के बच्चों को आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे उसके लिए आपको अलग अलग तरह से सामने आना पड़ेगा। अगर आप बहुत लाइवली होकर बोलते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो जो सोशल बच्चा है वो सोशल स्किल वाला वो आपके साथ ज़्यादा जुड़ेगा। खैर छोड़िए, ये बातें हम लोग बाद में भी करते रहेंगे, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज मैं सोचा कि मैं करूँ क्या, आज मैं किस चीज़ पर बात करूँ। तो बचपन से जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा था, एसिड बेस और सॉल्ट को, क्लास 7th में या 8th में शायद पढ़ा था मैं अपने समय में, तो तब से मेरे मन में सूचकों के प्रति बड़ा इंटरेस्ट जगा था और मैं अपने आसपास के बहुत सारे चीज़ों को ये के साथ प्रयोग करके देख रहा था कि ये सूचक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो इन सूचकों के बारे में है। इन सूचकों पे हम कुछ प्रयोग करके देखेंगे, सूचकों पर क्या असर होता है, कैसे हम एसिड और बेस को पहचानेंगे। इन सब चीज़ों को जानने के साथ साथ मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से और सभी बच्चों से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस तरह के कुछ सूचक को ढूँढें। आप देखेंगे कि किताबों के अलावा 2-4 सूचक मैंने और भी यहाँ पर ढूँढने की कोशिश की है। तो अभी चूँकि सेशन छोटा है, अगर आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है जो सूचक के रूप में काम कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस प्रयोग में और करके देखते हैं कुछ एक छोटे छोटे प्रयोग। हमारे पास यहाँ पर हमने केमिकल के रूप में उन सभी चीज़ों को लिया है जो हमारे आसपास ही उपलब्ध है। इसके लिए किसी केमिकल शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं कुछ प्रयोगशाला वाले इक्विपमेंट्स का यूज़ तो करूँगा, वो सिर्फ इसलिए कांच के इक्विपमेंट्स हैं ताकि आप ठीक तरीके से उनको देख सकें। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या सामान यूज़ करने जा रहे हैं। ये पहला सामान है पानी है। पानी इसलिए है कि ये जो ड्रॉपर है जिससे मैं केमिकल यूज़ करूँगा तो वो ड्रॉपर को बार बार साफ़ करना होगा। अगर एसिड लगा तो एसिड को साफ़ करना होगा, क्षार लगा तो क्षार को साफ़ करना होगा। तो ये पानी है पहला। दूसरा हमारे पास एसिड है और ये एसिड जो है वो टॉयलेट क्लीनर है। घर में टॉयलेट क्लीनर जो था उसका ही एसिड है। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा मतलब बुरा भी लग सकता है लेकिन ये है वही। और ये है हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर का घोल। डिटर्जेंट पाउडर का घोल सुना है हमने कि ये एक बेस होता है। ये हमारे पास है हेबिस्कस यानी कि उड़हुल के फूल का जो पंखुड़ियों को थोड़ा उबाल के हमने बनाया है। ऐसे कांच में देखने पर तो ये बहुत डार्क रेड दिख रहा है लेकिन जब हम परखनली में इसको देखेंगे तो ये मैजेंटा कलर का दिखेगा। तो ये हेबिस्कस का वो हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास है ये टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन एक घाव में मरहम पट्टी के लिए ज़रूरी होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में होता है, तो ये टिंचर आयोडीन हमने वहाँ से लिया। अच्छा, एक चीज़ जो हमने लिया वो है वो सूचक हमने लिया वो ख़रीदा था वो है ये लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से ही सूचक वाली पढ़ाई जो है वो शुरू होती है। तो ये लिटमस पेपर हमारे पास है। हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो लाल लिटमस पेपर है। हम लोग कोशिश करेंगे इसी से सारा काम करें और बहुत आसान है। लाल को जब नीला बना लेंगे तो नीला वाला फिर नीला लिटमस पेपर की तरह काम करने लगेगा। तो आइए हम लोग वैसे ही करते हैं। ये चार लाल लिटमस पेपर तो शुरू करते हैं। अच्छे नहीं, आपको और भी चीज़ दिखाऊँ मैं। मेरे पास और क्या है? मेरे पास ये है। क्या आप गेस करते हैं ये क्या है? ये है केले का फूल का कवर। केले का फूल इसी के अंदर कवर में रहता है, बाद में फूल से फल और बनता है केला। तो ये एक आज मैं इसके साथ प्रयोग कर रहा हूँ और ये देखूँगा कि ये कितना सक्सेसफुल इंडिकेटर हो सकता है।
हमारे पास दो स्ट्रिप है, आप अपने स्कूल में या टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे, हल्दी एक ऐसा इंडिकेटर है। तो हल्दी के दो पैचेस हैं, ये पेपर में हमने लिए हैं। जब हल्दी लिया तो मेरे मन में आया कि मिर्चा क्यों नहीं, तो हमने मिर्चा भी लिया। ये देखिए, ये मिर्चा का दो पैच है। हमारे पास एक आम भी है, आम खट्टा होता है, सुना है कि खट्टा चीज एसिड होता है, जांचेंगे आज इसको भी, ये खट्टा है एसिड है कि नहीं। इमली का पानी वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है, अगर आप उन चीज़ों पर जाएं तो आप वो भी चीज़ देख सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि हमारा शरीर जो है वो बहुत माने अल्कलाइन चीज़ ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नहीं लेकिन अल्कलाइन होना चाहिए। इसीलिए जब कभी किसी का अगर हाजमा बिगड़ जाता है यानी एसिडिटी हो जाता है, खट्टी डकारें आती है, तो वैसे में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MG मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हम लोग उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय घोल है और वो क्षारीय घोल पीने के बाद हमारा शरीर का जो एसिडिटी है वो दूर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो जब उनको एसिडिटी हो जाता है तो उनको लगता है कि अगर हम डकार लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और इसके लिए वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने लगते हैं, यानी ठंडा, यानी पेप्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें पीने लगते हैं। लेकिन वो हानिकारक है, एक तो आपकी एसिडिटी पहले से हुई हुई है, और जब आप और ऐसा एसिडिक कार्बोनेटेड ड्रिंक अगर पीते हैं, वो एसिडिक होता है नेचर में, आप उसको भी देख सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उनको भी देख सकते हैं कि वो कितने एसिडिक हैं, तो लिटमस पेपर से देख सकते हैं और आगे जो भी हम देखने जा रहे हैं उन सब चीज़ों से भी देख सकते हैं, बहुत आसान काम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रयोग, और हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि पहले ये लाल लिटमस पेपर को करके देखने से, अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है, उन बच्चों के लिए जो चीज़ें देख करके सीखते हैं, कुछ पढ़ के भी सीखते हैं, तो जो पढ़ करके सीख जाते हैं वो एक अलग लेवल के होते हैं, उनको हमेशा याद रहता है, उनको ऐसा देखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनको ऐसा देख करके चीज़ें समझ में आती है उनके लिए, तो आइए हम लोग देखते हैं इस लिटमस पेपर का क्या होता है। इस लिटमस पेपर को इस एसिड में डाला, एसिड में डुबाया, लिटमस पेपर जस का तस है, भीग गया थोड़ा, लाल का लाल ही है, तो इसको भी ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ ये लाल लिटमस पेपर है, एक दूसरा लिटमस पेपर लेते हैं, ये हमारे हाथ में एक दूसरा लिटमस पेपर है। हमारे पास ये घोल है डिटर्जेंट पाउडर का, आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है, इसके साथ डालते हैं इसको, निकाला। ये देखिए, डिटर्जेंट पाउडर के घोल में जाते ही इसका पुराना रंग मेरे उंगली के पास दिख रहा है, डिटर्जेंट पाउडर के घोल में जाते के साथ ये अब एक नीला लिटमस पेपर में बदल गया। ये नीला लिटमस पेपर, चूँकि हमारे पास सिर्फ लाल लिटमस पेपर है, इसलिए मैं इसको बगल में रखता हूँ, सूखने के लिए छोड़ देता हूँ, ये हमारे काम आएगा। एक और तैयार करता हूँ साथ में, एक और नीला लिटमस पेपर, जिनको छूट गया हो वो ये कई लोग जादू की तरह भी दिखा सकते हैं। ये देखो, ये हो गया नीला नीला लिटमस पेपर, इसको मैंने रख दिया। ये नीला लिटमस पेपर आगे एसिड जांचने के काम आएगा। मेरे पास एक सूखा हुआ लिटमस पेपर है जो नीला रंग का है, इसको भी मैंने इसी विधि से बनाया है, आप ऊपर लाल रंग देख सकते हैं। अब इस नीले लिटमस पेपर के साथ जब हम एसिड में डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये गया अंदर और ये हो गया लाल, आप देखिए ये बदल गया, इसका कलर बदल गया, लाल कलर हो गया, ये वापस अपने कलर में आ गया। देखिए ऊपर में इसका लाल कलर है, इसका ओरिजिनल कलर जिस कलर में ये पहले था। अब आप सोचिए ये कि ये जो नीला से लाल, लाल से नीला अगर हो रहा है, लाल वाले को अगर हम एसिड में डालें तो उसमें चेंज नहीं हुआ, नीला वाले को डालें तो वो चेंज हुआ, इसी तरीके से लाल वाले को डिटर्जेंट पाउडर के घोल में डालें तो उसमें चेंज हुआ, नीला वाला अगर हम डालते हैं, देखते हैं क्या नीला वाला डालने से डिटर्जेंट पाउडर में कोई असर होगा, नहीं, नीला वाला जैसे का तैसा है, नीला वाले में कोई असर नहीं हुआ, यानी नीला वाला का इसमें असर नहीं होता है, लाल वाले का इसमें असर नहीं होता है, इसमें नीला वाले का असर होता है, इसमें लाल वाले का असर होता है। तो ये हो गया लिटमस पेपर से हम जांच लिए,
एसिड कौन है, बेस क्या है। और लिटमस पेपर अगर कोई एक भी है तो हम दूसरा लिटमस पेपर तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, जितने भी ऐसे लाल फूल हैं, चाहे वो बैजंती का फूल हो या वो आपका हिबिस्कस वाला फूल हो, मतलब उड़हुल का फूल हो, या कोई भी फूल, अगर उस फूल को ये इवन ये केला वाला भी, इसको जब आप कागज़ में रगड़ेंगे, ये केला का फूल का रस से अगर कागज़ में रगड़ेंगे तो कागज़ जो है वो नीले रंग का हो जाएगा, तब वो नीला लिटमस पेपर आपका बन जाएगा। है तो लाल देखने में लेकिन ये बनाएगा नीला लिटमस पेपर। और इसी तरीके से जब आप कोई फूलों को रगड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग तरह के लिटमस पेपर के रूप में तैयार हो गए, और अलग अलग पेपर आपके लिए अलग अलग सूचक के रूप में तैयार हो गया। तो आप इस तरह से आप बहुत सारे सूचक बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। और बच्चे अगर आप सुन रहे हो तो ऐसे सूचक, कई सूचक बनाए जा सकते हैं। और देखो इन सब चीज़ों को करके, कौन एसिड है और कौन बेस, इसको पता लगाओ। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उसमें से एसिडिक कौन है, बेस कौन है, इन सब चीज़ों को पता लगाओ, इंटरेस्ट जगाओ, मज़ा आएगा। हमारे पास केवड़ा एसेंस भी है, तो केवड़ा एसेंस हो, वेनिला एसेंस हो, क्या हम इसको देखते हैं इस पर क्या असर होता है। ये हमारे पास एक नीला लिटमस पेपर है। नीला लिटमस पेपर में जब केवड़े का एसेंस डालते हैं तो इस पर ये हल्का हल्का साथियों लाल होना शुरू हुआ है, या इसको भी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद ये समझ में आएगा। काउंटर करने के लिए हम थोड़ा लाल में डाल के देखें, कहीं लाल वाले में तो असर नहीं करेगा। लाल वाले में कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन ये नीले वाले में ये थोड़ा लाल हुआ है। अगर आप इसको देख सके, थोड़ा लाल हुआ है, मतलब ये हल्का एसिडिक है। तो ये लाल और नीला कितनी जल्दी से करता है और कितनी तेज़ी से करता है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो एसिडिक है या नहीं है। तो साथियों अब आगे चलते हैं और दूसरे चीज़ों के साथ प्रयोग करके देखते हैं।